देसी स्मार्टफोन मार्केट में चीनी कंपनियों का दबदबा खत्म होने के बाद अब टेलीविजन मार्केट में भी कुछ ऐसा हो रहा है। चीनी टेलीविजन ब्रांड पहली बार भारतीय टेलीविजन बाजार में पिछड़ने लगे हैं। काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में चीनी ब्रांड्स की टीवी शिपमेंट हिस्सेदारी 33.6% रही, जो अप्रैल जून 2022 में 35.7% थी। अनुमान है कि जुलाई और अगस्त में चीनी ब्रांड्स की टीवी शिपमेंट हिस्सेदारी कम होकर 30% पर आ गई है। इसकी वजह चीनी कंपनियां अपने नकदी खर्च को कम करने पर फोकस बढ़ा रही हैं। इसके लिए उन्होंने कम मार्जिन वाले सेगमेंट से किनारा करने का फैसला किया है, जिससे उनकी बिक्री में गिरावट आई है। वन प्लस और रियलमी जैसे चीनी ब्रांड्स तो जल्द ही भारतीय टेलीविजन बाजार से बाहर निकल सकते हैं या यहां से वो अपना कारोबार काफी कम कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी बिक्री कम होने की दूसरी वजह है कि अब सैमसंग एलजी जैसे बड़े ब्रांड्स ने केवल मिड और प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस करने की रणनीति को बदला है। इन कंपनियों ने अब एंट्री लेवल टीवी के दाम भारत में घटा दिए हैं। इससे सैमसंग एलजी और सोनी के मिड सेगमेंट और प्रीमियम मॉडल ग्राहकों में अपनी जगह बना रहे हैं। सेंसुई और एसर जैसे दूसरे ब्रांड्स भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इससे ग्राहकों के लिए विकल्प बढ़े हैं और चीनी कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी लगातार घट रही है। इसी तरह स्मार्टफोन बाजार में भी चीनी ब्रांड्स बीते एक साल से भी ज्यादा वक्त से अपनी बाजार हिस्सेदारी गंवा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है चीनी कंपनियों का 7,000 से 8,000 रुपए से कम कीमत वाले एंट्री लेवल सेगमेंट से बाहर होना। अब चीनी ब्रांड्स का फोकस अपने मार्जिन में सुधार लाना है, जिसके लिए वो मिड टू प्रीमियम सेगमेंट में सैमसंग, एप्पल और दूसरे ब्रांड को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस गिरावट के बावजूद चीनी ब्रांड्स की अभी भी भारतीय स्मार्टफोन बाजार में बड़ी हिस्सेदारी बरकरार है, लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे भारत में मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया का कल्चर बढ़ता जा रहा है, उससे चीनी ब्रांड्स को लगातार नुकसान होता हुआ साफ साफ दिखाई भी देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।